जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं अंजलि नारायण नैवेद्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा चिवड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए हमने लिया है एक बड़े बोल में पोहा, एक कप मैंने ली है भीगी हुई चना दाल, इसे मैंने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था, फिर इसे छान कर 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था जिससे कि जो इसका पानी है वो अच्छे से सूख जाए। सफ़ेद तिल, सूखा नारियल इसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, मूंगफली, किशमिश, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, जीरा, कड़ी पत्ता, अमचूर पाउडर, पिसी हुई शक्कर 2 चम्मच और नमक। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पोहा। पोहा को हमें ड्राई रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। ये 4 से 5 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और ये देखिए पोहा भी हमारा रोस्ट हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच तेल। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली। मूंगफली को हमें गोल्डन कलर आने तक तलना है। ये देखिए मूंगफली हमारी सिक चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूखा हुआ नारियल, इसे भी हमें 2 मिनट के लिए सेकना है। गैस की फ्लेम को धीमा रखना है नहीं तो नारियल जल जाएगा। नारियल भी हमारा सिक चुका है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए किशमिश भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें चना दाल को भी फ्राई कर लेंगे। चना दाल को भी हमें गोल्डन कलर आने तक तलना है। ये देखिए चना दाल भी सिककर तैयार है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सभी चीजों को तल लिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे जीरा, कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे सफेद तिल। कड़ी पत्ता और तिल को हम अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पोहा। अब हम इसमें तली हुई सभी चीजें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, पिसी हुई शक्कर, नमक। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने सभी को अच्छे से मिला लिया है, चिवड़ा हमारा तैयार है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे।
ये देखिए पोहा चिवड़ा बनकर तैयार है। अब हम इस पर रखते एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।